आप लोग देखना, मोदी फेल हो गया, मतलब सरकार फेल हो गई, मोदी की सरकार फेल हो गई। आई एग्री विथ यू, मैं इन लोगों के साथ हूँ, और जो हिंदू इनकी बात से सहमत नहीं है भाग जाओ यहाँ से। नहीं भाई, सही बोल रहे हैं, मोदी की सरकार फेल हो गई। अब हमारे में क्या होता है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी अगर आप फेल होते हैं ना, आपको दोबारा वो करना पड़ता है, वो वाली क्लास दोबारा अटेंड करनी पड़ती है। मोदी पीएम की उसमें पोस्ट पे फेल हो गए, दोबारा पीएम बनाओ 2019 में, जब तक पास नहीं होते ना तब तक उन्हें बनाए रखो, ऐसे प्रमोशन नहीं करना है हमने, ठीक है। तो जो मुल्ले, जो भीमटे, जो भी बोल रहे हैं मोदी की सरकार फेल हो गई, सही बोला, फेल हो गई। अब जो फेल होगा वो दोबारा पढ़ेगा। भाई स्कूल में तो यही सिखाया है हमें, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलते हैं। अब जो फेल हो जाएगा उसको आगे नहीं भेजना, बने रहो पीएम, खबरदार जो सीट से उतरे मोदी जी, नहीं तो अगली बार तुम्हारे लिए भी लाइव आ सकती हूँ मैं। हाँ, और ममता मुल्ली तू सुन मेरी बात, साली खुजली वाली कुतिया जो 100 रुपए की साड़ी पहन के घूमती है ना तू, है जो दिखावा करती है, और जो तू रबड़ की चप्पल पहन के भालो भालो करती है, ऐसा भाला घुसाएंगे तेरे अंदर, बैठने में दिक्कत होगी तेरे को, है। हिंदू और मुसलमानों की लड़ाइयां करवा के तू रोहिंग्या मुसलमानों को बसवा के कौन से, अबे तेरा यार मुस्लिम है तो तू कर नामिका, पढ़ ले, हमें डर मारा तू नमाज पढ़, कम से कम हमारे हिंदुओं को तो परेशान मत कर, हमारे हिंदुओं का तो कम से कम मत कर ऐसा। हद हो गई यार, ये सब एक हो रहे हैं, ममता यहाँ पर अपनी ऐसी तैसी करा रही है सोनिया के साथ, पता ना किस किस के साथ, अच्छे से करा भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता है, तुम कपड़े उतार के नाच लो, हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता, अब हमें सिर्फ एक से फर्क पड़ता है, वो है मोदी जी, बाकी गए तेल लेने। साला तुम कितने भी संगठन बना लो, गवार के बच्चों, वोट तो हमने ही देने हैं, वोट देने वाले तो हम हैं, हमें तुम लोग दुखी कर रहे हो। जितने भी संगठन हैं, जितने भी ये पार्टियां हैं, उनके पास ये दिमाग नहीं है, वो संगठन बना रहे हैं, आपस में एकत्रित हो रहे हैं, अब एक गधे के बच्चों, वोट तो हमने देने हैं, हम लोगों को तुमने खून के आंसू रुला रखा है, हैं, हमें तुमने खून के आंसू रुला रखा है। हार्दिक पटेल जैसे के साथ तुम हाथ मिलाते हो, अन्ना जैसे गधे के साथ, गन्ने के साथ तुम बैठ जाते हो जाके, और तुम उम्मीद करते हो हम तुम्हें वोट देंगे। अबे पागल हो क्या, दिमाग नाम की चीज नहीं है या मोदी को देख के सबकी सटक ली? गवार के बच्चे, 2019 में मोदी जी ही आएंगे, जिसके पिछवाड़े में जितना दम है भाई जोर लगा लो, अब तो जय श्री राम, अब तो मोदी जी ही आएंगे, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। और एक अच्छा, हिंदुओं को मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एक ऐसा ग्रुप बना है भीमटे और मीमटों का, मुल्लों का, ये लोग मिलके क्या करते हैं, हम हमारे मतलब जो हमारा भगवा है, मतलब जो हमारे संत वगैरह पहनते हैं, हम लोग तो चलो नहीं पहन सकते वो, ठीक है, जो हमारा सम्मान है भगवा, ऐसे कपड़े पहनाते हैं मतलब, या खुद ही पहन लेते हैं, और उल्टे कभी मास्क की दुकान पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, भगवा कपड़ों में मास्क खरीद रहे हैं, फिर वो वीडियो वायरल करते हैं, देखो हिंदुओं के साधु ऐसे हैं। एक बात बताओ, जितने भी हो तुम हिंदू, एक छोटा सा कॉमन सेंस यूज करो, कभी तुम लोगों ने देखा है? हम भी तो रहते हैं, हम भी हिंदू समाज में रहते हैं, हमने तो कभी किसी हिंदू को मतलब ऐसे संत को मास्क लेते हुए, ये सब करते हुए, गलत हरकतें, मतलब इन लोगों के पास ना बाबा की, मतलब एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें एक हमारे कोई मतलब भगवा कपड़े पहने में उल्टा है वो बंदा, और वो किसी महिला के साथ गलत काम कर रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रॉन समझ लो, मतलब गंदी वीडियो वायरल हो रही है, ओके जी मान लिया। अबे साला सबसे बड़ी बात सुन, अगर वो करेगा तो तुम्हें उसने वीडियो बनाने के लिए वहां खड़ा रखेगा उस कमरे में? तेरी बहन थी, तू वीडियो बना रहा था अपनी बहन की, तूने पैसे देके भेजा था उस साधु के पास? यार पागल समझा है हमें, बेवकूफ समझा है हमें, जो तुम लोग हमें पागल बनाने पर लगे हो, अरे बंद कर दो, अब ना बनते हम पागल। ये फेक वीडियो जिसके पास आती है, पहले तो हम हिंदुओं में क्या कमी है, व्हाट्सएप पे वीडियो आई, व्हाट्सएप पे कुछ भी आया, हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाने वाला कोई भी मैसेज आया, जोक आया, तुरंत से ग्रुप में फॉरवर्ड, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड, यार हम तक वो पहुंचाया जाता है, और हम अपनों तक हम पहुंचाते हैं, समझ रहे हो क्या गेम खेली जा रही है? तो पहले तो ऐसे फेक वीडियो, फेक मैसेजेस, ये सब आगे फॉरवर्ड नहीं करने हैं, स्टॉप, वहीं रुक जाओ, ठीक है, हम लोगों ने आगे नहीं भेजने। और रही बात